हाँ, हाँ मैं डरता हूं अपने दोस्तों से। मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, लेकिन इन दोस्तों के साथ नहीं। ये मेरा मजाक उड़ाते हैं, छेड़ते हैं, और कभी कभी तो स्कूल बस में लड़के मुझे तंग करते, रास्ता रोकते, गंदे गंदे कमेंट्स भी पास करते, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्कूल जाना अच्छा लगता है, पढ़ लिख कर पायलट बनना चाहती हूँ, पर स्कूल जाने से डर लगता है। कैसे बोलूँ मम्मी पापा को? आज फिर आने दे पापा को, आज तेरी ऐसी पिटाई होगी कि याद रखेगा। अब जाके हाथ मुंह धोले और खाना खा ले, भूख नहीं है। अब क्या बोलूं मां को? मेरे सारे दोस्त मिलकर मेरा मजाक उड़ाते, मुझे धमकाते, मुझे मारते, उन्हें इसी में मजा आता है। क्या पापा को भी मजा आता है मुझे मारने में? वो प्यार से क्यों नहीं पूछते? मम्मी पापा को लगता है मैं जानबूझकर स्कूल बस मिस करती हूँ, और पापा को हर रोज स्कूल छोड़ना पड़ता है। क्या पापा को बताऊं कि मेरे साथ बस में क्या होता है? कैसे बोलूं? मुझे बस में जाने से डर लगता है। पापा पहले उन्हें जाने दो, वो अच्छे लड़के नहीं है। पापा मेरी कोई गलती नहीं है, पापा प्लीज मेरा स्कूल मत छुड़ाना, पापा मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पापा मेरी कोई गलती नहीं, सुनो तो पापा प्लीज। क्या हुआ सुनो, डरो मत, बोलो। मैम ऋषि मुझे बस में हर रोज तंग करता है, मेरा मजाक बनाता है, मुझे टच करने की कोशिश करता है, और उसके दोस्त मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, हंसने मेरी कोई मदद नहीं करते। आओ मेरे साथ। Sit down. दिल बहुत नाजुक होता है, इसी की धड़कन से तो हम जिंदा है ना? लेकिन फिर भी आप लोग अपनी गंदी बातों और गलत व्यवहार से अपने ही दोस्तों का दिल दुखाते हो, जो कि इस तरह बिल्कुल कुचल जाता है। आप में से कौन कौन है जो इस तरीके से अपने दोस्तों का दिल दुखाते हैं, ऐसी हरकत करते हैं? सीधा करो इसे, पहले जैसे साफ और सुंदर बनाओ,
नहीं हटा सकते ना लकीरें, तुमने तो तोड़ ही दिया। इस तरह आप लोग अपने दोस्तों को डराकर, धमकाकर उसे चोट पहुंचाते हो। हर बार उसके दिल को कुचल देते हो और ये करके आपको खुशी मिलती है। जो बच्चे किसी का मजाक उड़ाते हैं उनके कभी अच्छे दोस्त नहीं बनते, ना ही वो किसी के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आगे जाकर जिंदगी में वो अच्छे इंसान नहीं बन सकते। एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो अपने दोस्त की मदद करे, जरूरत पड़ने से उसके साथ खड़े होकर उसकी हिम्मत बने। आप क्या ऐसे विद्यार्थी बनना चाहते हो? मुझे तो नहीं लगता। Very good. बैठ जाओ। अपनी गलतियों को मान लेना ही एक अच्छे इंसान की पहचान है। लड़ाई झगड़ा तो होता रहेगा, उसे प्यार से सुलझाना। पता है क्यों? क्योंकि एक छोटी सी ठेस जिंदगी भर के लिए बोझ बन जाती है और आप दोस्त भी खो देते हैं। क्या फायदा ऐसे जिंदगी का, है ना?